नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। बिहार विधानमंडल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। विधानमंडल भवन के सेंट्रल हॉल में प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी समेत अन्य ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। बिहार लोकतंत्र की जन्मस्थली है और शायद इसलिए बिहार के आम नागरिकों के बीच राजनीतिक समझ और चर्चा का स्तर कुछ और ही है। बिहार की जागरूक जनता सक्रिय और प्रगतिशील है। गली कुचे मोहल्ले में लोगों के बीच आम वार्ता में भी उत्साह है और परिपक्वता है। इस राजनीतिक संस्कृति का श्रेय बहुत हद तक हमारे ऐतिहासिक संस्थानों को जाता है। आज के समारोह में मैं सबसे पहले बिहार की जनता को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे संस्थानों में भरोसा बनाए रखा, बढ़ चढ़कर के राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लिया और जवाबदेही मांगी है। आज के दौर में यह भी कहना पड़ेगा कि जनता ने संस्थानों में जितना विश्वास दिखाया है, हमारे संस्थान बहुत हद तक लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं, अनुत्तरदायी होते जा रहे हैं, खास तौर से उनके लिए जो समाज में लोग हाशिए पर हैं। इस फासले को कम करना राजनीतिक नेतृत्व की प्राथमिकता और जिम्मेवारी है। 5 साल में वोट देन लेन से पड़े हमें सोचना होगा कि कैसे सार्वजनिक और राजनीतिक रूप से संस्थाओं में एक खुलेपन और संस्कृति स्थापित की जाए। लोकतंत्र और इसके मूल्य हमारी भाषा और भाव में भी झलकना चाहिए। क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज चुनाव के दौरान कितनी नफरत और घृणा परोसी जाती है और इसका समाज में कितना गहरा और बुरा प्रभाव पड़ता है। आज यह बात भी आम सरोकार है कि राजनीतिक संस्थाओं या तो कमजोर की जा रही हैं, नियम विनियम मानदंड मर्यादा के तकाजों को ताक पर रख उनकी बाहें मड़ोरी जा रही है, यह जनतंत्र के लिए खतरनाक है। जनतंत्र में संतुलन होना जरूरी है। विधानमंडल में जनता की शक्ति, जनता की मर्जी, जनता की अभिलाषा बसती है। यह राजनीतिक संरचना में सर्वोपरि है। इसके बिना बाद भी यह सोचा गया कि भाई इन सब चीजों को तो देखते ही हैं, लेकिन जब कार्यक्रम होगा तो बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे ढंग से लोग माने, और जो भी विपक्ष में है उनको पूरा का पूरा अधिकार है अपनी बात बोलने का, सबको अपना अधिकार है। और कोई सत्ता पक्ष में भी है तो हाउस जब चलता है तो प्रश्न पूछने का अधिकार उनको है। अब वो बात है कि सरकार का बिल है, सरकार का कोई चीज है, मामला है, तो एक बात अलग है, रूलिंग पार्टी के लोग उसका समर्थन करते हैं, लेकिन हर सदस्य को ये अधिकार है कि अपना पूरा, वो जनता उनको चुन करके भेजती है, लोगों की बड़ी अपेक्षा रहती है कि हमारे इलाके के बारे में सब तरह की बात को देखें। और आप जान लीजिए कि चुने जाते हैं तो एक विधानसभा क्षेत्र से या कोई विधान परिषद, कहीं कहीं कई क्षेत्र हैं जिससे चुने जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अगर विधानसभा के सदस्य चुने गए तो सिर्फ अब एक सदस्य, एक क्षेत्र के तो प्रतिनिधि हैं ही हैं, लेकिन उनका दायित्व तो होता है, पूरे राज्य का दायित्व तो हो जाता है। एक राज्य की तो अपने क्षेत्र की तो सोचना ही है, लेकिन पूरे राज्य का दायित्व तो हो जाता है। और उसी तरह से जो लोकसभा में जाते हैं वो एक क्षेत्र से चुन करके जाते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में सोचना, अपने राज्य के बारे में सोचना तो है ही, लेकिन वो पूरे देश के लिए जाते हैं। तो हर चीज के बारे में इन सब चीजों को जानना और कैसे किसी भी चीज को हाउस में करना चाहिए, और हाउस में तो पूरी बुलंदी से करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं,
और हाउस के अंदर कोई किसी तरह से बात करने में किसी को कोई दिक्कत होती, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पहले दिन से ही अपना सब चीज का उपयोग करते हुए अपनी बात को पूरी गंभीरता से रखना चाहिए, और ये सबसे बड़ी बात है कि और ठीक ढंग से अगर किसी बात को रखिएगा उसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और सबको अधिकार है अपने इलाके के बारे में बोलना, उनको जो लगता है राज्य के हित में कैसे और बेहतर ढंग से क्या कह सकते हैं जिसका लाभ सब लोगों को होगा, तो ये उनको कहना चाहिए। लेकिन कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष में, विपक्ष में, तब विपक्ष को तो भाई अधिकार है ही ना पूरा बुलंदी के साथ बोलने का, तो इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन काम जरूर करिए। किसी किसी बात को लेकर के कुछ विवाद आता है वो अलग बात है, लेकिन वो तो एक मामूली सी बात है। असली चीज तो है कि सब लोग अपनी जो बात रखते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बात का हमेशा याद रखिएगा। और आज आप सुन ही रहे थे, आपको तो आप जो हरिवंश जी कितना डिटेल में बोले, लोग भी सब लोग संक्षेप में बोले, लेकिन वो भी बहुत सारी बातों की आपको उन्होंने चर्चा कर दी है, और बिहार की खासियत सब तरह की बातों की चर्चा कर दी। हमारे अन्य साथियों ने भी बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है, सब लोगों ने अपनी बात की चर्चा की है। और हमारे जब जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो भी अपनी बात रखेंगे, आप सब लोगों को बताएंगे। तो हमारा तो एक ही आग्रह है कि भाई चिंता कभी मत करिएगा, पूरा बुलंदी के साथ अपनी बात हाउस में जरूर रखिए। इसके लिए नहीं कुछ सोचने की जरूरत है, इस बात को रखना आपका दायित्व है। हम सब दिन से इस बात के लिए कहते हैं कि जरूर रखिए। और एक बात हम आपको अपना अनुभव बताना चाहते हैं, लोकसभा में जब हम लोकसभा में गए, हम तो नवासी से न गए तो शुरू में मंत्री बन गए तो क्या करते दूसरा काम, लेकिन उसके बाद से 91 से जब हम थे सदस्य, तो एक एक चीज को देखते थे कि काफी कुछ होती है बात, विवाद भी होता, कई तरह की बातें होती है। लेकिन उसके बाद जो हमने देखा कि भाई यहां पर तो अपनी बात लोग मजबूती से रखते हैं, लेकिन जो सेंट्रल हॉल है वहां पर लोग बैठते थे, हर पार्टी के लोग बैठते थे और एक दूसरे के साथ बात करते थे। और उस समय तो मेरा अपना अनुभव आपको हम बता देते हैं, लोकसभा के कोई भी निर्वाचित सदस्य जो लोग बोलते रहते थे उनको तो हम जान ही रहे थे और मिल ही रहे थे और देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे, अपनी भी बात बोलते थे, लेकिन जो नहीं बोल पाते थे उन भी एक एक सदस्य से हम जानबूझ करके बात करते थे कि क्यों नहीं बोलते हैं, क्या क्या बात है। लेकिन जब उनसे मिलते थे और बात करते थे तब पता चलता था कि इनको अपने इलाके के बारे में, राज्य के बारे में और देश के बारे में, सब चीज के बारे में इनकी समझ और जानकारी है। तो मुझको बड़ी खुशी होती थी, और जो एक अनुभव वहां पर हुआ, और जब आपस में विवाद होता था, और उसके बाद हम वही बता रहे हैं, जब लोकसभा में जब बैठते थे आपस में, तो आपस में पक्ष हो या विपक्ष, अगर आपस में पूरी मजबूती के साथ विरोध में कोई बात किया है, लेकिन उसमें जाते ही आप सेंट्रल हॉल में लोग इतना प्रेम से एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे कि हमको पहली बार अनुभव हुआ कि क्या है साहब, हाउस में तो पूरा मजबूती के साथ अपनी बात कहना है लेकिन बाहर आते ही सेंट्रल हॉल होना चाहिए। तब फिर अब वहां के बाद जब हमको यहाँ का मौका मिल गया है 2005 से, तभी ना इस सेंट्रल हॉल बनवा दिए हैं, इसीलिए बनवा दिए हैं कि अंदर चाहे जो भी हो और वहां के बाद बैठिए, बात कीजिए और एक दूसरे के साथ मिलिएगा, बातचीत कीजिएगा, बहुत चीजों को समझिएगा, और इससे सब लोगों का की जानकारी बढ़ेगी और ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए संसद के सदन के अंदर अगर कोई बात होती है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पूरे तौर पर सब लोगों को मिलजुल करके इन सब चीजों का काम करना चाहिए, हमारा तो यही कहना। और बाकी तो आप सब लोगों को सलाह देंगे, अब पहले भी बहुत लंबा लंबा हम लोग भी कहते रहे कि ये, लेकिन हमको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम इतना ही कहेंगे कि पूरी बुलंदी के साथ और मजबूती के साथ जरूर असेंबली के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करिए, सब लोग बैठिए और बैठक में अपनी बात पूरी। शिकायत हम कर रहे हैं, हम तो बड़ाई कर रहे हैं आपका, तो आप वहां पर करके, वहां पर सब कुछ अपना बोल करके
अब बाहर निकलते हैं तो हमसे गप सब प्रेम से नहीं होता है, खूब प्रेम से गप है। वही हम कह रहे हैं कि सबको एकदम अपनी बात भी करना है, आपस में मिलजुल करके काम करना है, क्योंकि हम सब लोगों को मिलकर के राज्य की सेवा करनी है और देश की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है, और जनता को भरोसा है कि एक चीज पर। इसलिए निश्चित रूप से आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहिए। हम तो आप सब लोगों से यही आग्रह करेंगे। और आज के इस अवसर पर हमारे बीच में पधारे हुए हैं आदरणीय ओम बिरला जी, हम तो उनका पुनः अभिनंदन करते हैं। उनकी बात हम लोग बैठ करके खूब आराम से सुनेंगे, और इनकी बात हम लोग हरिवंश जी की बात तो सुन ही चुके हैं। सब लोग मिल करके अपनी अपनी बात कहेंगे, और जो भी हमारे नए सदस्य हैं आज के इस कार्यक्रम में जरूर भाग लीजिए और एक एक बात को पूरे तौर पर समझ लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा और इसका फायदा होगा। और जान लीजिए, अगर सक्रिय रहिएगा तो आप दिन जब तक चाहिएगा तब तक आते रहिएगा यहाँ, और अगर निष्क्रिय रहिएगा तो हो सकता है बीच में गड़बड़ा जाइएगा। इसलिए हम सबसे हाथ जोड़ करके कहेंगे कि खूब सक्रिय रहिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसलिए मैं विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूँ, और आपने सब लोगों को बुलाया है और बहुत अच्छे ढंग से पुनः कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप सब लोगों को का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरी आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।